क्रिस्टोफर नोलन की सिनेमैटिक मास्टरपीस एंड बेस्ट ऑफ द ईयर ओपेनहाइमर फाइनली आज इंडिया के सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसे देखने के बाद आई एम स्टिल स्पीचलेस। लाइक जैसे जैसे वो बॉम्ब फटने वाला मोमेंट पास आते जा रहा था, वैसे ही फ्रेम बाय फ्रेम टेंशन और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। और इसी के ऊपर से किलियन मर्फी का टोटली फक्ड अप वाला फेस, भाई साहब उसी टाइम पूरा पैसा वसूल हो गया। और जब एक्चुअल में बम फटा तब उसके बाद लिटरली पूरा थिएटर एकदम शांत हो गया। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन। जहां उन्होंने ये मूवी को एज अ नॉर्मल बायोपिक की तरह नहीं, एक हिस्टोरिकल इवेंट की तरह प्रेजेंट किया। और जहां ये मूवी तुम्हें गूज बम्स, फियर, इंप्रेस, हर एक इमोशन फील कराएगी, वो भी एकदम अंदर तक। चलो ये तो थे मेरे पर्सनल थॉट्स। बाकी ये मूवी की स्टोरी टेक प्लेस करती है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, जहां जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप किया जा रहा था। और उसी एटॉमिक बॉम्ब के बनने के पीछे, आगे और उसके बनने के बाद के कंसीक्वेंसेस, ओपेनहाइमर के गिल्ट को इस मूवी में एज अ हिस्टोरिकल इवेंट की तरह दिखाया गया है। जहां किलियन मर्फी ने अपने करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है ओपेनहाइमर को प्ले करने के लिए, और जहां ओपेनहाइमर के रोल की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्रिलियंट साइंटिस्ट को एकदम अच्छे से कैप्चर किया एंड गिव अस अ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। मतलब जब जब किलियन मर्फी स्क्रीन पे आते थे तब तब वो गूज बम्स टेंशन फील होती थी कि हाँ ये बंदा आगे क्या करने वाला है। एंड फॉर दिस किलियन मर्फी रियली डिजर्व ऑस्कर फॉर अ बेस्ट एक्टर। देन इसके बाद लिव स्ट्रैटस, जिसे आरडीजे ने प्ले किया है, उसे देख के पता नहीं क्यों मेरे को बार बार टोनी स्टार्क की फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसा भी था, आरडीजे का रोल काफी मेजर और काफी बढ़िया था। देन इसके बाद मैट डेमन एज लीजाइल डी ग्रोव्स, जो कि एक काइंड ऑफ लिवाइट कैरेक्टर था जो कि ठीक था। फिर एमिली ब्लंट, जो कि एक टिपिकल एंड केयरिंग हाउसवाइफ थी, जो कि सही थी। मतलब इतना बड़ा हथियार बनाने के बाद ओपेनहाइमर को कोई तो चाहिए संभालने वाला, और वो है ओपेनहाइमर की वाइफ केटी ओपेनहाइमर, यानी एमिली ब्लंट। इसके बाद इस मूवी का म्यूजिक, जो कि हर एक सीन्स के अकॉर्डिंग एकदम सही बीट पकड़ता है। मतलब अगर सीरियस सिचुएशन है तो हाँ तुम्हें इनका म्यूजिक अंदर तक सीरियस फील कराएगा। और इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और डार्कनेट के बाद ये वाला स्कोर भी मेरा फेवरेट बन चुका है। देन इसके बाद इस मूवी के सिनेमैटिक शॉट, भाई कितने ब्रेथ टेकिंग थे, सही वर्ड है ना, हाँ काफी ब्रेथ टेकिंग थे। मतलब चाहे वो इसके ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स सीन्स हो, या फिर इसके एक्सपेंसिव लैंडस्केप्स हो, या फिर इसके स्टनिंग क्लोजअप शॉट्स हो, एवरीथिंग इज सो एक्यूरेट। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पेसिंग एकदम थोड़ी स्लो फील होती है, बट किलियन मर्फी की परफॉर्मेंस और एंडिंग ने सब बराबर कर दिया। मतलब इसमें अगर एक कमी होगी तो उसे पेल करने के लिए काफी सारी अच्छाइयां भी हैं। और हाँ, ये बात नोलन को भी पता होगी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा टाइम लेके मूवी बनाई। और बेशक आने वाले टाइम में क्रिस्टोफर नोलन हमारे टाइम की ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर बन जाएंगे, वैसे अभी भी हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा और ग्रेट। सो ओवरऑल दिस मूवी इज प्योर सिनेमैटिक मास्टरपीस, बेस्ट ऑफ द ईयर एंड अपकमिंग ईयर्स। मेरी तरफ से 5 out of 5 फॉर किलियन मर्फीज परफॉर्मेंस, क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्शन, मूवी स्कोर, डायलॉग्स एंड फॉर सिनेमेटोग्राफी। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं तुमसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, यानी बारबी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।